आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बालों को लेके है। आजकल आपने देखा होगा कि बालों की बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, बाल झड़ना, समय से पहले बालों का पकना, बाल डाई एंड डैमेज हो जाना, बिल्कुल रफ फिजी सा रहना। तो उन सारी प्रॉब्लम का सलूशन है और बहुत ही आसान तरीके से हमने इस रेमेडी को तैयार किया है। बस आपको हफ्ते में 1 से 2 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे आप कुछ ही दिनों में आपके जो बाल हैं हेयर फॉल होना भी बंद हो जाएगा, प्लस आपकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाएंगी। जब जड़ें मजबूत होंगी तो आपको हेयर फॉल होगा ही नहीं, और जो हमारे रूट हैं, जो स्कैल्प हैं, उसमें एक ड्राइनेस आ जाता है, इस वजह से भी हमें ईचिंग होती है। ईचिंग होने की वजह से फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। कई ऐसे कारण होते हैं बाल के झड़ने के, हेयर फॉल होने के। तो इन सारे समस्या का समाधान लेके आए हैं हेयर टॉनिक। अगर हम हफ्ते में 1 से 2 बार हेयर टॉनिक इस्तेमाल करते हैं अपने बालों पे, तो टोटली इन सारी समस्या से हमें सोल्यूशन मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं कि इस टॉनिक को बनाना कैसे है। मैंने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, और इस टॉनिक के इस्तेमाल से आप देखेंगे आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ले लेना है फेनुग्रीक सीड, ले लेना है। ये हमारे किचन में हमेशा मिलता है, ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है ये हमारे बालों के लिए भी रहता है। आप इसे खाएंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, लगाएंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह से आपको ये मेथी के जो दाने हैं वो ले लेना है। तो लगभग यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून मेथी के दाने ले लिए हैं। अब यहाँ पर दूसरा इंग्रेडिएंट आपको डालना है लौंग। तो 4-5 लौंग डाल लेते हैं। लौंग जो इन्फेक्शन हो जाता है हमारे स्कैल्प पे, उसको क्लियर करता है। और ध्यान रहे जब आप लौंग ले तो उसका जो फूल होता है ना, उसके साथ ही आपको यहाँ पर लौंग को ले लेना है। तो 4-5 हमने लौंग ले लिया है। अब इसमें हमें तीसरा इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं, जो कि हर घर में ये भी अवेलेबल होता है, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपको ले लेना है ग्रीन टी। तो आप देख रहे होंगे पत्ता वाला मैंने यहाँ पर लीव ग्रीन टी लिया है, तो ये हम लेंगे 1 टीस्पून ले लेते हैं। इन सारे चीज़ों को हमें एक साथ मिक्स कर लेना है। जब इसका इसको हमें पकाना है, अभी क्या करना है, एक पतीला लेना है, इस पर हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और इस पर हम डालेंगे 1/2 गिलास पानी। तो 1/2 गिलास आपको पानी डाल लेना है और इसको मतलब इतना पकाएंगे जो 1/2 गिलास पानी है वो आधा का आधा रह जाए। मतलब अगर आप 1/2 गिलास पानी डाल रहे हैं तो उसका आधा आपको बचना चाहिए। इतने देर तक आपको इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब ये बॉईल हो जाएगा उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ आपको। तो ये चीज़ें अगर हम टॉनिक अपने बालों पे अप्लाई करते हैं ना, आप देखना हफ्ते में सिर्फ 2 बार आपको यूज़ करना है, आपको 100% बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। पानी मेरा यहाँ पर बॉईल हो गया है और हल्का सा ये गुनगुना ही रहने देना, बिल्कुल पूरी तरह से आपको ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ये गुनगुना रहेगा। और गुनगुना पानी ही हमें अपने बालों पे लगाना है। तो इसे छन्नी की मदद से हमें छान लेना है, क्योंकि इसके जितने भी गुण हैं वो हमारे पानी में आ गया है। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं यहाँ पर कैस्टर ऑयल ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर इसे स्किप भी आप कर सकते हैं। तो जो आपको लगता है बादाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो आपको लगे सूटेबल करे उस ऑयल को आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद चाहे तो आप इसे कॉटन से डिप करके लगाएं या फिंगर की मदद से लगाएं, जैसे आपको सुविधा होता है उस तरह से इसे आप अपने बालों पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, इसे स्प्रे बॉटल में डाल दूँगी, ताकि मैं अपने बालों में बहुत अच्छे से इसको लगा पाऊँ। मतलब रूट से लेके आपको टिप तक लगाना है इसे। अगर आपके बाल डैमेज हो गए हैं और एक फिजी सा लगता है ना, रफ ड्राई झाड़ू जैसे हो जाते हैं बाल, तो वो सही हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ स्प्रे बॉटल पे इसे डाल लिया है। अब इसे हम अच्छे से सेक करेंगे, क्योंकि हमने इसमें ऑयल डाला है तो अच्छे से वो मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो हमने इसे सेक कर लिया। अब चलिए मैं बताती हूँ कि इसे लगाना कैसे है। तो देख लीजिए इस तरह से हम इसे सेक करेंगे, और हमारा जो बाल है उस पर पहले मतलब क्लियर होना चाहिए, पहले से कोई ऑयल वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। और इसे हम जड़ों में अच्छे से डालेंगे, स्प्रे करेंगे रूट से लेके आपको बिल्कुल टिप तक लगाना है इसे। पहले जड़ों में हम लगाए के बहुत अच्छे से इसके इसे हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करना है, और इसे 1 घंटे के लिए इसी तरह हम बालों में रहने देंगे। जब लगा लेंगे उसके बाद, जब 1 घंटा हो जाएगा उसके बाद आपको बाल को वॉश कर लेना है। फिर देखेंगे आपके जो बाल हैं ना एकदम से सिल्की शाइन हो जाएंगे। हफ्ते में आप इसे 2 बार यूज़ कीजिए, आप देखेंगे आपका जो हेयर फॉल है उसकी समस्या तो टोटली बंद ही हो जाएगी। तो यह था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।